टू ऑल, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की क्लास में हम लोग आगे के कमांड देखते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दो इम्पोर्टेंट कमांड। पहला कमांड है वर्ड आर्ट का एंड सेकेंड दिस वन इज कॉल्ड ड्रॉप कैप। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ड आर्ट क्या है। वर्ड आर्ट की मदद से आप लिखे हुए शब्द का डिजाइन या उसके लिखावट की जो हैंडराइटिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने में बहुत सारे डिजाइंस खुल के आ जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी एक डिजाइन को सिलेक्ट करते हैं और अगर आप जैसे लिखा हुआ है वर्ड आर्ट, इसके बदले में अगर आप कोई अपना वर्ड लिखते हैं या अपना सेंटेंस लिखते हैं तो आपके लिखे गए वर्ड या सेंटेंस को वो उस डिजाइन में चेंज कर देगा जिस डिजाइन को आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे। सपोज डैट मैंने इस वाले डिजाइन को सिलेक्ट किया तो यह हमारे सामने में एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। इसमें हम अपना कोई मैटर टाइप करेंगे। लिख रहा है, क्या लिख रहा है ये, योर टेक्स्ट हियर, यानी कि आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ अपना नाम PRIYARNJN तिवारी, प्रिय रंजन तिवारी हमने लिखा। लिखने के बाद में आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसकी यहाँ पे आप फॉन्ट का फेस भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें किसी दूसरे स्टाइल में चेंज करना है तो आप यहाँ से उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी साइज़ को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप इसके साइज़ को घटा भी सकते हैं। जितना आपको साइज़ चाहिए आप साइज़ को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में अगर आप लिखे हुए शब्द को या सेंटेंस को बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, जो हम होम के टैब में करते थे, सेम काम को हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। सब कुछ हो जाए तो फाइनली आपको यहाँ पे ओके को प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके को प्रेस करेंगे तो जो भी आपने मैटर लिख रखा था उस डायलॉग बॉक्स में वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो लिखा हुआ आएगा आपके सामने में फॉर्मेट नाम का एक टैब खुल के आ जाएगा ऑटोमेटिक, जिसमें आप लिखे हुए शब्द में नंबर ऑफ चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसी को जो आपने लिख रखा है इसी को आप दोबारा से एडिट करना चाहते हैं, यानी कि आप कुछ और लिखना चाहते हैं इसमें, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। स्पेसिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने सेंटेंस या वर्ड लिखा है और उसमें जो लेटर्स है तो उसके बीच में अगर आप कोई स्पेसिंग देना चाहते हैं लेटर्स के बीच में, तो आपको यहाँ पे स्पेसिंग कमांड का यूज करना पड़ेगा। ये अपने अकॉर्डिंग ये स्पेसिंग को सेट करेगा। बेसिकली हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में ऑप्शन है इवन हाइट, वर्टिकल टेक्स्ट, अलाइनमेंट, यानी कि आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं, लेफ्ट राइट वर्ड, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आप बाद में भी इसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमें ये वाला डिजाइन पसंद है तो ये वाला डिजाइन हम चूज कर सकते हैं, यानी कि आप बाद में इसके डिजाइन को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें शैडो देना चाहते हैं शैडो दे सकते हैं, 3D इफेक्ट दे सकते हैं। इसकी पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं, पेज में कहाँ रखना चाहते हैं, टॉप में, सेंटर में, बॉटम में, है ना, जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ से आप इसके डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कमांड है इसमें, अगर आप चाहते हैं कि जो हमने मैटर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से मूव करें, तो होता क्या है कि जनरली ये मूव नहीं होता अपनी जगह से, तो उसके लिए हमें एक कमांड यूज़ करना पड़ता है टेक्स्ट रैपिंग को। क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट रैपिंग। हाँ, टेक्स्ट रैपिंग का एक कमांड है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्क्वायर का। जैसे ही आप स्क्वायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आप इस लिखे हुए शब्द को आप कहीं भी पेज में मूव कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, है ना, जैसे आप चाहें। इसकी साइज़ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आपको नीड है वैसे आप कर सकते हैं। तो समझ में आ गया वर्ड आर्ट? यस सर। ओके, थैंक यू।